उत्तर पश्चिमी रेलवे जयपुर की ओर से कोरोना संक्रमित मरीजों के इलाज के लिए तैयार किए गए कोविड-19 आइसोलेशन कोच को अब दिल्ली को भेजे जा रहे हैं। उत्तर पश्चिम रेलवे के CPRO अभय शर्मा ने बताया कि कोरोना संक्रमण के बाद रेलवे की ओर से जयपुर डिवीजन में 266 आइसोलेशन कोच तैयार किए गए थे। अब दिल्ली सरकार की अनुशंसा पर उनमें से 150 कोविड-19 आइसोलेशन के कोच दिल्ली भेजे जा रहे हैं। आइसोलेशन कोच को दिल्ली भेजने का काम शुरू हो चुका है। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि उत्तर पश्चिम रेलवे की ओर से 13 स्पेशल रेल सेवा का भी संचालन किया जा रहा है। जैसा कि आप जानते हैं, कोरोना वायरस की इस महामारी से लड़ने के लिए भारतीय रेलवे द्वारा अलग अलग तरह के प्रयास किए जा रहे हैं, जिसमें कि कोरोना आइसोलेशन कोचेस प्रिपेयर करने का भी एक महत्वपूर्ण कार्य था। पूरे भारतवर्ष में 5000 से अधिक इस प्रकार के कोचेस हैं जिनको कि कोविड केयर कोचेस में कन्वर्ट किया गया है। उत्तर पश्चिम रेलवे में भी 266 इस प्रकार के कोचेस हैं जिनको कि चारों मंडलों ने मिलकर कन्वर्ट किया है कोविड केयर आइसोलेशन कोचेज के रूप में, और इनमें से 150 आइसोलेशन कोचेज दिल्ली के लिए भेजे जा रहे हैं। दिल्ली सरकार की अनुशंसा पर भारतीय रेलवे यानी कि रेलवे बोर्ड ने जो दिशा निर्देश दिए उसके अनुसार उत्तर पश्चिम रेलवे 150 कोचेज जो है वो दिल्ली के लिए भेज रहा है, जिनमें कि जो कोरोना वायरस के कन्फर्म्ड केसेज हैं उनको केयर के लिए रखा जा सकेगा।